IBN7 और ATR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अलग अलग सांसदों का सर्वे कर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इस सर्वे के आधार पर हमने सांसदों को 10 अंकों के पैमाने पर कई तरह की कसौटियों पर कसा है। आइए जानते हैं कि ऐसी तमाम कसौटियों पर बीजेपी के सांसद अनंत कुमार के काम को उनके क्षेत्र की जनता कितना अच्छा या खराब मानती है। अनंत कुमार का रिपोर्ट कार्ड। कर्नाटक की दक्षिण बैंगलोर सीट से 5 बार से बीजेपी सांसद अनंत कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रास्ते राजनीति में आए। 1996 में पहली बार सांसद बने और वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन, युवा और खेल, नगर विकास जैसे मंत्रालय संभाले। 2003 में वो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए और पार्टी सबसे अधिक सीटें जीत कर आई। 2004 से अनंत कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। नगर विकास मंत्री रहते उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा। माना जाता है कि कर्नाटक की सूबाई राजनीति में वो येदियुरप्पा विरोधी है। फिलहाल वो एक बार फिर दक्षिण बैंगलोर सीट से ही सांसद हैं। सर्वे के मुताबिक सांसद तक पहुंच के सवाल पर अनंत कुमार को 10 में से 6.34 अंक मिले, तो चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर दक्षिण बैंगलोर की जनता ने उन्हें 6.54 अंक दिए। वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर 6.33 अंक। परिवहन सुविधा के नाम पर अनंत कुमार को 6.91 अंक मिले, तो बेहतर सड़कों के नाम पर 6.54 अंक। बेहतर स्कूलों के नाम पर 6.38 अंक मिले, तो पेयजल सुविधा के नाम पर 6.91 अंक। जहां तक सांसद पर भरोसे का सवाल है, तो बैंगलोर की जनता ने उन्हें 6.89 अंक दिए, तो महिला सुरक्षा के नाम पर अनंत कुमार को 6.36 अंक मिले। वहीं जब बात नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की आती है, तो उन्हें मिले 6.43 अंक। इस लिहाज से रिपोर्ट कार्ड में अनंत कुमार का औसत रहा 6.36 अंक। आप कह सकते हैं कि अनंत कुमार को 60% से ज्यादा अंक मिले।